उन्होंने जो माखन चोरी की लीला रची है, पहली बात तो ये कि वो माखन चुराने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं रची, क्योंकि नंद महल में इतनी ज्यादा मात्रा में दूध दही माखन होता था कि कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और दूसरी बात, वो तो भगवान है, उनके पास किस चीज की कमी, सब कुछ है। लेकिन वो ये चाहते थे कि सिर्फ नंद बाबा यशोदा मैया आनंद ना ले, सिर्फ उन्हें फल ना मिले, वो ये चाहते थे कि वो पूरे ब्रजवासियों को आशीर्वाद दे सके, इसलिए वो ये माखन चोरी की लीला रचते हैं। तो एक समय की बात है, दोपहर का समय है, भगवान सोचते हैं कि यदि माखन चुराना है तो अपने घर से चुराऊं, क्योंकि मैया पहले आनंद ले ले, फिर बाद में तो जिंदगी भर सिर्फ उल्हाने सुनना है, बुरा भला सुनना है। सोचते हैं जरा देखूं तो सही, मैं चोरी कर भी पा रहा हूं कि नहीं। भगवान सोच रहे, चलो आज देखता हूं चोरी करके। तो दोपहर का समय है, भगवान सोचते हैं, यशोदा मैया विश्राम कर रही हैं, तो भगवान जाते हैं माखन के कक्ष में। पहले इतनी ज्यादा मात्रा में दूध दही माखन होता था कि इनके कक्ष अलग बने थे, तो भगवान गए हैं माखन के कमरे में। अब जैसे ही कमरे में जा रहे हैं, मैया ने देख लिया है। मैया कहती है, इसके मन में फिर कोई शरारत सूझी है। मैया भी पीछे पीछे गई है। अब महाराज भगवान पहुंच तो गए, हांडी इतनी बड़ी, भगवान इतने से हांडी में हाथ ही नहीं जाए, बड़ी मुश्किल से तो जैसे तैसे करके हाथ डाला उस हांडी में। तो उस हांडी के ठीक सामने एक दर्पण रखा है, शीशा रखा है। तो भगवान ने जैसे ही माखन निकाला तो सामने शीशे को देखा। अब शीशे में स्वयं को देखा, अपने प्रतिबिंब को देखा, तो डर गए, क्योंकि भगवान ने आज से पहले स्वयं को शीशे में नहीं देखा कि वो कैसे दिखते हैं, केवल सुना है कि सांवला सा रंग है, घुंघराले बाल है, सिर्फ सुना है पर देखा कभी नहीं। तो जैसे ही स्वयं को देखा डर जाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, तुरंत हाथ पीछे किया। स्वाभाविक सी बात है, जैसा भगवान करेंगे वैसा उनका प्रतिबिंब करेगा, प्रतिबिंब ने भी हाथ पीछे किए। भगवान कहते नकल मत करो, अब प्रतिबिंब भी कह रहे हैं नकल मत करो। अब धीरे से भगवान हाथ आगे लाते हैं, प्रतिबिंब भी हाथ आगे लाता है। अब भगवान के हाथ में माखन है तो प्रतिबिंब के हाथ में भी माखन होगा। भगवान ने देखा, कहते हैं अरे ये क्या, तुमने भी माखन चुराया, मैंने भी माखन चुराया, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम मेरी चोरी के बारे में यशोदा मैया से मत कहना, मैं तुम्हारी चोरी के बारे में नहीं कहूंगा, तुम भी माखन खाओ मैं भी माखन खाता हूं। ये सब बातें अपने आप से कर रहे पर वो ये नहीं जानते। अब महाराज भगवान सोचते हैं कि माखन खाना चाहिए, बड़े प्रसन्न है मैंने माखन चुरा लिया। लेकिन ये सारा का सारा दृश्य यशोदा मैया पीछे खड़े होकर के देख रही हैं। अब भगवान ने माखन लिया और जैसे ही खाने जाते हैं, उतने में ही यशोदा मैया आवाज लगाती हैं, कन्हैया हाथ फिर पीछे, हाँ मैया क्या कर रहा है माखन के कमरे में, मैया कुछ तो नहीं। मैया कहती है तो बिन मतलब के क्यों आया यहां पर, कोई ना कोई बात जरूर है, क्या छिपा रहा है। भगवान हाथ आगे लाते हैं, मैया कहती है तेरे हाथ में माखन क्यों है, चोरी कर रहा है। भगवान कहते ना मैया मैं चोरी नहीं करूं, अरे वो तुम्हें इसलिए आया था क्योंकि अब सोच रहे हैं कि बहाना क्या बनाए। फिर नजर पड़ती है कि हाथ में कड़ा पहना है, कहते हैं हाँ मैया मैं यहां पर इसलिए आया हूं क्योंकि आपने मुझे जो कड़ा पहनाया है ना, तो जब बाहर धूप में जाता हूं तो जलता है, तो किसी ने मुझसे कहा था इस पर माखन लगा लेना चाहिए, बड़ी ठंडक मिलेगी, मैं ऊपर माखन लगाने आया। मैया कहे अच्छा ठीक है माना, तो तू अपने कड़े पे माखन लगाने आया, पर कड़े पे तो माखन है ही नहीं, माखन तो तेरे मुख पर लगा है। अब क्या बोले, अभी भी नहीं कह रहे माखन चुराने आया हूं। कहते अरे मैया वो क्या हुआ ना, यहां माखन लगाया तो यहां की जलन तो मिट गई, लेकिन जलन धीरे धीरे यहां से होते होते यहां पहुंच गई, तो यहां भी माखन लगा लिया। मैया कहवे कन्हैया कितनी बातें बनावे, सब जानू माखन चुराने आया था। अब कान पकड़ा वापस लेकर के आ गई, तो पहली बार तो माखन नहीं चुरा पाए। भगवान सोचते कोई बात नहीं, अपना ही तो घर है, आज नहीं कल फिर प्रयास करेंगे।
तो कुछ दिनों बाद सुबह का समय है, भगवान जैसे उठते हैं रोने लगे हैं। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई, गोद में बिठा लिया, चुप करा रही है, दूध पिलाने लगती हैं। फिर वहीं नजर पड़ती है कि अंगीठी पर जो दूध उबल रहा है वो बहुत ज्यादा उबल चुका है, कभी भी गिर सकता है। मैया ठाकुर जी से कहे, कन्हैया यहीं बैठ, अरे वो दूध उबल रहा है। मैया दौड़ी दौड़ी गई, ठाकुर जी सोचे लो भाई हमसे ज्यादा जरूरी दूध हो रखा है, उसके पीछे भागी भागी जा रहे। सोचते अवसर अच्छा है, अब माखन चुरा सकता हूँ। तो वहीं थोड़ी दूर पर दूध दही माखन की बड़ी बड़ी हांडियां रखी है। अब भगवान क्रोध में आकर के दूध और दही की हांडियां फोड़ देते हैं और माखन की हांडी अपने साथ लेकर के आ गए। मित्रों को बुला लिया है। अब जैसे यशोदा मैया वापस आई, मैया ने देखा पूरा दूध दही फैला है, गौरस फैला है। कहती हो ना हो कन्हैया ने किया। फिर नजर पड़ती है कि माखन नहीं फैला। मैया कहवे आज फिर इसने माखन चुराया है। मैया दबे पांव जा रही है देखने के लिए कि कहां पर है। भगवान मित्रों के साथ बैठे हैं, माखन खा रहे हैं। फिर कह रहे देखो मैया तो नहीं आ रही। फिर थोड़ा सा माखन खा रहे हैं, फिर देख रहे हैं। मित्रों से कहवे मुझे लग रहा है मैया आ रही है, एक बार देखो। महाराज मित्र देखते हैं, कहवे कन्हैया भाग, मैया आ रही है पीछे से। महाराज सारे मित्रों ने दौड़ लगा दी, ठाकुर जी भी दौड़े दौड़े जावे। मैया कहवे आज नहीं छोड़ू। अब श्री कृष्ण आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे, बहुत देर हो गई ऐसे करते करते। फिर नजर पड़ती है, भगवान देखते हैं कि मैया जो है वो थक चुकी हैं। तो भगवान अपने आप को पकड़वा लेते हैं, क्योंकि भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। तो भगवान अपने आप को पकड़वा लेते हैं। मैया कहती है तेरी शरारतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, आज देख तुझे ऐसी सजा दूंगी कि माखन चुराना भूल जाएगा। तो भगवान को ऊखल से बांध दिया है। अब ऊखल क्या, जिसमें अन्न कूटा जाता था पहले के समय में। तो मैया कहवे कि आज ऊखल से बांध दूं। अब महाराज रस्सी लाती हैं, भगवान को बांधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन हर बार रस्सी दो उंगल छोटी पड़ रही है। लाल की तो महाराज हर बार रस्सी दो उंगल छोटी पड़ती जा रही है। फिर यशोदा मैया और रस्सियां इकट्ठी करती हैं, जैसे तैसे फिर प्रयास करती हैं, लेकिन महाराज फिर भी नहीं बांध पा रही। अब पूरे घर की रस्सियां इकट्ठी कर ली हैं, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके भगवान को बांध दिया है। मैया कहती हैं दिन भर इसी से बंधे रहो। अब महाराज भगवान फिर एक और लीला रचते हैं, मैया तो काम में लग गई। अब श्री कृष्ण आगे बढ़ते जा रहे हैं और रस्सी अपने आप बड़ी होती जा रही है। जैसे आगे बढ़ रहे हैं रस्सी बड़ी होती जा रही है, तो रस्ते में तो वृक्ष पड़ते हैं जमलार्जुन नाम के, जो कि पूर्व जन्म में कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुंभर और मणिगिरि, लेकिन वो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन चुके हैं। तब भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच में से इस तरह से निकलते हैं, ऐसे झटका देते हैं कि दोनों वृक्ष पृथ्वी पर गिरते हैं। जैसे पृथ्वी पर गिरे तो दोनों वृक्षों का उद्धार होता है। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मेरा इस तरह से भगवान पहली बार माखन चोरी की लीला।